राजा भात चाय बागान दो भागों में विभक्त है, अपर लेन और लोअर लेन, जहाँ आदिवासी संख्या बहुल है। इलाका डीमा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ हाई फॉरेस्ट और बक्सा टाइगर रिजर्व से हाथी का आवाजाही लगा रहता है। इसी दौरान कभी कभी गांव में घुस आता है हाथी। इस दौरान खाने की तलाश में लोगों का घर तोड़ता और अनाज खाता। जंगल से हाथी आया, हाथी के द्वारा हुआ है ये। तीन पहले हमारे भैया का घर टूटा है, फिर उसके बाद फिर हमारा काका का घर टूटा है, फिर हमारा घर टूटा है। तीन सामने तीन घर तोड़ के गया है। उसके बाद हमारा यहाँ आया, हमारा तो दुकान था शायद, वो दुकान का सामान चावल वावल गंद किया होगा, वो लेके आया, इसलिए आया। और थोड़ा रंजीत चाय बागान में रोजगार से रोजगारी घर नहीं चलता 150 रुपया की हाजिरी में, इसलिए छोटी मोटी व्यवसाय करता परिवार चलाने के लिए। 6 लोगों का भरण पोषण करने में बहुत तकलीफ होती है, कहते हैं रंजीत। हमारे इससे तो घर का हालत तो देखे भी कर रहे हैं। छोटा छोटा परिवार है, बूढ़ा माँ है, हम लोग कितना रिक्स से सो रहा है। अभी कुछ होने से रात में हम लोग तो इसे भी सोने नहीं पाता है, जैसे जब बारिश होता है तो सोने भी नहीं पाता। सारा टीन चूता है, बगान की परिस्थिति ऐसे ख़राब है, ऊपर से छत तो खराब है, और ऐसे टूटा हुआ घर में हम अभी प्लास्टिक लगा के सोए हैं। हमारा एक हाथी के टूटा हुआ तो कम से कम हमारे घर में ये लगा के 5 बार हुआ है। 4 बार तो हम अपना पैसे से बना चुका है, किंतु ऐसा परिस्थिति में हम कैसे बना सकें। हमारा परिवेश तो देखिए। आप कंपनसेशन के लिए आवेदन किए थे, कोई दरखास्त दिए थे फॉरेस्ट को? दिए थे, तो दरखास्त दिए थे, सामान वामान चना मटर जैसे बर्बाद हुआ, कम से कम हमारा 45,000 का जैसे तो हमारा खराब हो गया। तो अभी तक इसका विषय को लेके हम हमारे बागान मैनेजर के पास में भी रिपोर्ट दिया है, वो बोलता। फिर रेंजर ऑफिस से आदमी आया था, वहाँ भी ये घटना लेके हम दिया है, किंतु जब रेंजर ऑफिस जाता है तो वो बोलता है बागान का मालिक लोग बागान का मैनेजर बनाएगा। बागान का मैनेजर बोलता है हेड ऑफिस भेजा है, उधर से मालिक भेजेगा, हिसाब करके कितना लगेगा नहीं लगेगा तब बनाएगा। इन सब घटना की जानकारी रंजीत जुलाई 2017 में वन विभाग के अधिकारियों को वन दफ्तर राजाभात रेंज ऑफिस में दिया था लिखित रूप से, पर इनकी कॉपी नहीं मिली रंजीत को। सरकारी मदद मिलता तो सहायता मिलता घर बनवाने और घर की सामान जोड़ने में। 24 जून 2018 को मैं भी वन अधिकारी के पास गया था, मगर जंगल में ड्यूटी जाने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज घटना के 3 महीना के बाद भी उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। वो उसी गिरी हुई ईंटों के घर में प्लास्टिक रहने को मजबूर है। वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि रंजीत के परिवार को सरकार द्वारा कॉम्पनसेशन जल्द से जल्द दिया जाए, इसके लिए नीचे दिए गए नंबर में कॉल कर आवेदन करें। मैं हरिहर नागवंशी पश्चिम बंगाल से इंडिया अनहर्ड के लिए।